आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GSB Fit में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कपाल भाति के बारे में। कपाल मतलब स्कल, भाति टू शाइन, चमकना, जो चेहरे पे ग्लो लेके आता है, वो है ये प्राणायाम। आपको रोगों से मुक्त कर दे, वो है ये प्राणायाम। निरोगी काया बना दे, वो है ये प्राणायाम। इस प्राणायाम के अद्भुत फायदे हैं फैट लॉस के लिए, जो चर्बी जमा हो रखी है, चर्बी कम करने के लिए अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति। इसी के साथ साथ जिनको कोल्ड, कफ, साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी तकलीफें, जिसमें सर्दी बहुत लगती है, नज़ला निकल रहा है, कोल्ड, कफ, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, फीवर होता है, उन सभी के लिए रामबाण इलाज है कपालभाति प्राणायाम। हेमोग्लोबिन, लोगों का, लोग कहते हैं सर हमारे चेहरे पे नूर नहीं आता, हमारे बाल झड़ रहे हैं, नूर नहीं है, क्या करें? अरे भाई कपालभाति करो। कपालभाति प्राणायाम आपका हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, रिसर्चेस हैं इसके ऊपर। आपका स्कैल्प पे हेयर ग्रोथ करता है कपालभाति प्राणायाम। ब्लड फ्लो बढ़ाता है, इम्पोटेंसी की तकलीफ को ठीक करता है कपालभाति प्राणायाम। जो महिलाएं गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, जो पुरुष असमर्थ हैं बच्चा पैदा करने में, उनके लिए रामबाण इलाज है, रामबाण औषधि है कपालभाति प्राणायाम। किनको नहीं करना है? गर्भवती महिलाएं इस प्राणायाम से दूर रहें। महावारी के टाइम पे यह प्राणायाम नहीं किया जाता। जिनको लोअर बैक में पेन रहती है, हर्निया है, स्लिप डिस्क है, हाई बीपी रहता है आप लोगों का, आप ये प्राणायाम ना करें। किसी का रिसेंटली ब्रेन, हार्ट, स्टमक की सर्जरी हुई है, आप ये प्राणायाम ना करें। अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस प्राणायाम में, तो थोड़ा स्लो करें, 20 से 40 ब्रेथ एक राउंड में करें और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। मैं एक सेकंड में दो बार एक्सहेल कर देता हूँ इस प्राणायाम के अंदर, लेकिन स्ट्रोक दे देता हूँ, आई मीन स्ट्रोक्स एक्सहेलेशन होती है, लेकिन कोई होड नहीं है। जितना हमारी क्षमता हो उतना करें। हमें अपने आप को रिजुविनेट करना है, एनर्जाइज करना है, हमें वाइटैलिटी चाहिए, विगर चाहिए, कोई किसी से होड़ नहीं है। जितना हमारी क्षमता हो हम उतना करें। इस प्राणायाम को करने का तरीका बहुत ही सरल प्राणायाम है। सुखासन में बैठिए, सुख में, वज्र में, पद्म में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठिए आप। कमर सीधी रखिए, नेक सीधी रखिए, ज्ञान मुद्रा लगाइए। सब मेरे साथ श्वास अंदर लेंगे, श्वास जब अंदर जाएगा तो छाती बाहर, लंग्स बड़े हो गए गुब्बारे की तरह, लंग्स बड़े हो जाते हैं इस प्राणायाम के अंदर। चलिए, इस तरीके से आप कई बार इस प्राणायाम को कर सकते हैं। जो इन्हेलेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूरखा, जो पूरखा है वो अपने आप होगा। आपका जो माइंड है वो अपने आप कर रहा है, आप उसको बोलेंगे नहीं। जब उसको चाहिए हवा, ऑक्सीजन चाहिए, वो खुद लेके जाएगा, आपसे पूछेगा नहीं। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। स्ट्रेस कम करना है, बिल्कुल भी हमने बढ़ाना नहीं है। तो आपने क्या करना है, इन्हेल करना है, डीप इन्हेल किया, लंग्स को भरा ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ, एयर के साथ, और उसके बाद जितनी नेगेटिविटी है स्ट्रोक्स के माध्यम से आपने वो बाहर निकाल दी। जिनकी चर्बी बड़ी रहती है, चर्बी कम कर देगा ये प्राणायाम झट से। जो मेरे भाई बहन चेहरा मुरझाया हुआ है, बालों बाल नहीं उगते उनके, चेहरा मुरझाया हुआ है, हेमोग्लोबिन कम रहता है, दिमाग तेज नहीं चलता, फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनके लिए रामबाण इलाज है कपालभाति प्राणायाम। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम।